हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूले को समझते हैं। क्वेश्चन दिया, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज अ गिवन एस्टीमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1925। मतलब हमें 1925 में इस टाउन का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो ईयर 1981 में 1911, 1921, 1931 पॉपुलेशन कितना है, 46, 66, 81, 93, 101। अब इसमें बैकवर्ड फार्मूले से सॉल्व करना है। तो हमारा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है y इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू डेल्टा y नॉट प्लस यू यू प्लस वन डेल्टा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल u u प्लस वन u प्लस टू डेल्टा q y नॉट अपॉन थ्री फैक्टोरियल u u प्लस वन u प्लस टू u प्लस थ्री डेल्टा q अपॉन फोर फैक्टोरियल। फ्रेंड, जितने वेरिएबल रहेंगे इतने ही इसका इटरेशन बढ़ता चला जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस यही है कि जो हमारे फॉरवर्ड में होता है यहाँ पे माइनस होता है, हमारे बैकवर्ड में प्लस होता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं यू फाइंड आउट करना है। तो यू इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स मीन्स क्या, जो वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें 1925 फाइंड आउट करना था, 1925 हमारा ही हो गया। ए मीन्स क्या, एक्स का जो हमारा लास्ट वैल्यू है, एक्स का हमारा लास्ट वैल्यू कितना है, 1931। फ्रेंड, लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कंफ्यूजन हो जाते हैं। फॉरवर्ड में क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू एक्स का लेते हैं, लेकिन बैकवर्ड में क्या होता है, सबसे एंडिंग लास्ट वाला वैल्यू लेते हैं। यस मतलब क्या, इनके बीच कितना डिफरेंस है, गैप है, 10 का गैप है, इसलिए इज इक्वल टू 10। तो यू के फार्मूला हम रख दिए, हमारा यू इज इक्वल टू माइनस 0.6 आ गया। अब हम देखिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। देखिए एक्स के वैल्यू, वाई के वैल्यू, अब हम आता है डेल्टा वाई के सिन करते हैं। इसमें फॉरवर्ड में क्या होता था कि हम ऊपर से नीचे एक माइनस करते थे, लेकिन इनमें क्या है कि नीचे से ऊपर वाले वैल्यू को, जैसे 101 है तो 101 में से 93 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, फिर 93 में से 81 को करेंगे 12 आएगा, 81 में से 66 करेंगे 50 आएगा, 66 में से 46 करेंगे 20 आएगा। इस प्रकार जब हम 8 में से माइनस 12 को करेंगे माइनस 4 आएगा, और जब 12 में से माइनस 15 को करेंगे माइनस 3 आएगा, 15 में से माइनस 20 को करेंगे तो हमारा माइनस 5 आएगा। इस प्रकार जब माइनस 4 में से माइनस 3 को करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 3 में माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस 2 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारा माइनस 3 आएगा। तो फ्रेंड, ये हमारा जनरली हो गया टेबल। हम फार्मूले में रख देते हैं कि y इज इक्वल टू y नॉट, मतलब हमारा y का जो पहली वैल्यू है कितना है, 101, प्लस u का वैल्यू हम लोग माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइंड आउट करी है। इसके बाद डेल्टा वाई 8 है, प्लस यू प्लस वन इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 4 अपॉन टू फैक्टोरियल यू का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए यू प्लस वन यू प्लस टू इंटू डेल्टा क्यू का वैल्यू माइनस 1 है अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसके बाद माइनस 0.6 यू प्लस वन यू प्लस टू यू प्लस थ्री इंटू डेल्टा पावर 4 वाई अपॉन 4 फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, फैक्टोरियल मतलब होता है नंबर काउंटिंग, मतलब जैसे अगर 4 फैक्टोरियल दिया है तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम कहते हैं हिंदी में क्रमगुणित कहते हैं, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फ्रेंड, ये जनरली था हमारा फार्मूला। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 99.868 आ रहा है। तो जनरली फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।